हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक अपने इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट्स ऑल अबाउट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बहुत पुराना लॉ है, आपके कोर्स में इसकी वेटेज भी लीनियंट ही है, ऑलमोस्ट 20% की वेटेज रखता है आपके कोर्स के अंदर एंड इट्स अ वेरी 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 सिंपल लॉ। कस्टम ड्यूटी की बस एक ही खासियत है कि इसमें आपको कुछ टर्म्स नहीं दिखेंगे, टेक्निकल टर्म्स दिखेंगी, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत इजी लॉ है, पूरा का पूरा लॉजिकल लॉ है। डायग्रामेटिकली अगर लॉजिकली आप इस एक्ट को समझेंगे तो बहुत इजी है एंड ट्रस्ट मी ये कई सालों से सेम पैटर्न पे चल रहा है, यानी इस एक्ट के अंदर मेजरली बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, ड्यू टू विच आज तक जो एग्जामिनेशन पैटर्न इनका है, जो क्वेश्चन के पैटर्न यहाँ से आते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे नेचर के है। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं कस्टम्स के बारे में। नॉर्मली ड्यूटी वर्ड जो है वो यूज किया जाता है टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर, यानी बेसिकली जब हम बात करते हैं गुड्स के टैक्स की, सामान के टैक्स की, तो उसको हम नाम देते हैं ड्यूटी। सरकार ने कहा कि इंडिया में जब भी कोई गुड्स बाहर से इंडिया आएंगे या इंडिया से बाहर जाएंगे तो बॉर्डर पर, जब हमारे बॉर्डर को वो गुड्स क्रॉस करेंगे तो हम उनपे एक टैक्स लगा देंगे इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। और ये वर्ड जो कस्टम आया बड़ा ही लॉजिकल आया। हुआ क्या, हजारों सालों से इंडिया में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई थी तब भी, जब किंगडम्स चलते थे, राजाओं का राज्य चलता था, तो एक राज्य से उसकी सीमा को पार करने के लिए, अगर एक राज्य से कोई बंदा दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसकी सीमा को पार करने के लिए उन्हें उस पे कुछ शुल्क देना पड़ता था, कुछ लगान देना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था। यानी बॉर्डर क्रॉस करने पर टैक्स जो है हजारों सालों से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस में चले आ रहे हैं, ये टैक्स कस्टम में ही चला आ रहा है। देयरफॉर इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को हमने नाम दे दिया कस्टम ड्यूटी। और ये कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल लेवल पे चार्ज होती है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ फॉर्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस बॉडी को फॉर्म किया गया झगड़ों को कम करने के लिए। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें करोड़ों की, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, हर देश नुकसान में रहा, उसके बाद मैक्सिमम देशों ने मिलकर एक यूनियन फॉर्म किया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें उन्होंने पुरजोर हर तरह से ये कोशिश की कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत ना आए। इसके लिए उन्होंने सेपरेट ऑर्गन्स बनाए अलग अलग तरीके के, जैसे उसमें एक बॉडी बैठाई गई, एक ऑर्गन बनाया गया डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था कि दुनिया भर में सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज सही तरह से मेंटेन करें। यानी दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी डब्ल्यूटीओ की थी। और डब्ल्यूटीओ ने कहा कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं आपस में फ्री ग्लोबल ट्रेडिंग कर सकती हैं। फ्री ग्लोबल ट्रेडिंग का मतलब कोई भी कंट्री अपना सामान बना के दूसरी कंट्री को बेच सकती है एंड वाइस वर्सा। लेकिन ग्लोबल ट्रेडिंग के दौरान अगर किसी इकोनॉमी को लगता है कि दूसरी इकोनॉमी से हमें खतरा है तो वो उनपे प्रॉपरली टैक्सेस चार्ज कर सकता है। यहाँ पे फ्री का मतलब टैक्स फ्री होना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे फ्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिना किसी अप्रूवल के सामान को बेचना है। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप सामान खुलेआम बेच सकते हो, उसके लिए आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर वो कंट्री जो दूसरी बाहर से आने वाले गुड्स को इंपोर्ट कर रही है वो अपनी लोकल मार्केट को बचाने के लिए उनपे टैक्सेस चार्ज कर सकती है इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी का ट्रेडिशन इंटरनेशनल लेवल पे हर इकोनॉमी फॉलो कर रही है, यानी हर कंट्री इस टैक्स को चार्ज कर रही है। यही कारण है कि इंडिया में जीएसटी आने के बावजूद भी कस्टम्स पे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सर जो जीएसटी है वो खाली इंडियन बाउंड्रीज के अंदर लॉ में अमेंडमेंट है, इंडियन बाउंड्रीज के अंदर एप्लीकेबिलिटी है जीएसटी की। हाउएवर कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल टैक्स है विच इज थॉरोली गवर्न्ड बाय डब्ल्यूटीओ ऑफ यूएनओ। देयरफॉर जीएसटी आने के बावजूद भी कस्टम पे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, ड्यू टू विच कस्टम ड्यूटी आज भी एज इट इज इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, सो बेसिकली कस्टम ड्यूटी इज नथिंग बट द टैक्स ऑन इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ध्यान से समझिएगा ये टैक्स क्यों और कैसे लगता है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज करने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स चार्ज कर रहा है तो उसके लिए उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या फर्क होता है? एक्सक्यूज मी। पार्लियामेंट एक बॉडी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, एक लॉ बनाने की बॉडी है, जिसमें दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने हुए उम्मीदवार आते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इस बॉडी के पास पावर होती है कि ये लॉ पास करे, जिसको आप एक्ट का नाम देते हैं, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एंड सो ऑन। और पार्लियामेंट लॉ जब बनाती है तो पार्लियामेंट आंख बंद करके किसी भी बात पे लॉ नहीं बना सकती, यानी पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि आप सांस ले रहे हो तो हर सांस लेने और छोड़ने पे आपको 1 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, ये हम कानून बना रहे हैं, यानी कल को अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो हम आपको सांस लेने से रोक देंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज पार्लियामेंट भले ही लॉ मेकिंग बॉडी जरूर है, लेकिन लॉ बनाने की पावर उसे कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है। यानी इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पे कुछ लिस्ट बनाई हुई हैं, वहां पे बेसिकली 3 लिस्ट हैं, 1, 2, 3। लिस्ट नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 इज स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 इज कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स दिए हैं और लॉ मेकर कहता है कि इन आइटम्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवरी करेगी। लिस्ट नंबर 2 में स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं जिसमें लॉ मेकर कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की विधानसभाएं लॉ बनाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ और कॉमन आइटम्स हैं जिसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने लॉ बना सकते हैं। और इन लिस्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार जो सबको दिए जाएंगे। जैसे उसमें से एक मौलिक अधिकार है राइट टू लिव, जीने का अधिकार। तो यही कारण है कि सरकार ने मौलिक अधिकार दिया है जीने के अधिकार में, जिसके तहत सरकार कभी भी सांस लेने और छोड़ने पे लॉ नहीं बना सकती। यानी फंडामेंटल राइट में उन्होंने कहा है जिंदा रहने के लिए जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं, सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, ये सब बेसिक अधिकार है, इस पे कभी भी कोई भी कानून नहीं बन सकता। आपको खाना हाथ से खाना है या चम्मच से, पानी ग्लास से पीना है या हैंडपंप से डायरेक्टली, व्हाटएवर द केस में भी, इन पे कभी कोई कानून नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे कानून बनाएगी जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट के अंदर एक आइटम है आइटम नंबर 83 जहां पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट के अंदर एक आइटम है, आइटम नंबर 83, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लॉ बना सकते हैं। और यहां से पावर लेकर पार्लियामेंट ने 2 लॉ पास किए। पहला बनाया कस्टम्स एक्ट जो साल 1962 में पास हुआ, और साथ साथ एक और लॉ बनाया गया कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब होता है रेट, जो पास किया गया 1975 में। बेसिकली कस्टम्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए थे, उसमें बताया गया था कि कस्टम ड्यूटी कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन देगा, कितने अमाउंट पे देगा, ये सारी बातें कस्टम्स एक्ट में मेंशन है। लेकिन इंडिया में कितने गुड्स इंपोर्ट होते हैं, लाखों करोड़ों गुड्स इंपोर्ट होते हैं, लाखों करोड़ों गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो हर एक गुड्स पे रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग रहेगी एज पर डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो लॉ मेकर ने आगे चल के एक सेपरेट एक्ट बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के रेट्स लिख दिए। ये एक बहुत ही बल्कि एक्ट है जिसमें अलग अलग स्केड्यूल बने हुए हैं। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो कितने रेट से ड्यूटी, अगर आप वही आइटम एक्सपोर्ट करोगे तो कितने रेट से ड्यूटी, ये सारी लिस्ट उन्होंने कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दी है, जिसको हम सीटीए का नाम देते हैं। प्राइमरीली कस्टम टैरिफ एक्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेट्स ऑफ ड्यूटी मेंशन है जो आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगी। हमें अपने कोर्स के लिए जो मेनली पढ़ना है वो है कस्टम्स एक्ट। ठीक है, कस्टम्स एक्ट के अंदर मेन प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पे उन्होंने बताया है कि ये टैक्स कब और कैसे लगेगा, और वहां पे जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को रिकवर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? लॉ मेकर कहता है पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर पूरी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रीजन वाइज बांटा हुआ है। हर रीजन से हर 5 साल में इलेक्शन होता है और इलेक्शन के दौरान डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। अब किसी रीजन में बीजेपी के मेंबर को सिलेक्ट कर देती है आम जनता, किसी रीजन में कांग्रेस के बंदे को सिलेक्ट करती है, किसी रीजन में आप समाजवादी एंड सो ऑन। रिस्पेक्टिवली जितने भी बंदे चुन के आते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज कहा जाता है। और लोकसभा में एक पीरियड, एक इलेक्शन पीरियड के दौरान जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी सिलेक्ट होके आते हैं उस पार्टी को रूल दे दिया जाता है, राज करने का अधिकार दे दिया जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है। और वो रूलिंग पार्टी हमारी बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। यानी इलेक्शन सेंट्रल लेवल पे है तो पार्लियामेंट के बंदे चुन के आएंगे और सबसे ज्यादा जिस पार्टी के बंदे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। अगर स्टेट लेवल के इलेक्शन है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अंदर एमएलए चुने जाएंगे। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए इलेक्ट होके आएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर देगी। ठीक है, और फिर जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके पास पावर होगी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के बेसिस पर टैक्स चार्ज करे। ठीक है, सो इस बात को हम बेसिकली समझते हैं अपने एक समरी चार्ट के द्वारा जो आपको समरी के हैंडबुक के अंदर गिवन है। लॉ मेकर कहता है सबसे पहले बताइए कस्टम ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो वो कहता है यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक स्केड्यूल है 7th स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, वो लिस्ट जो लॉ का कानून का हिस्सा होती है। इस 7th स्केड्यूल में पहली लिस्ट है लिस्ट नंबर 1, जिसको हम यूनियन लिस्ट का नाम भी देते हैं। और इस यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री है जिसको हम आइटम नंबर भी कह सकते हैं, चाहे आप आइटम नंबर का हो चाहे एंट्री का हो। एंट्री नंबर 83 जहां पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया में गुड्स के इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन के ऊपर लेजिस्लेशन बनाने की, लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाने की पावर दे दी गई पार्लियामेंट को इस एंट्री के अंदर। और पावर मिलने के बाद पार्लियामेंट ने दो एक्ट बनाए, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसको हम सीटीए का नाम भी देते हैं। कस्टम्स एक्ट के अंदर मेन प्रोविजंस लिखे गए, कस्टम्स एक्ट के अंदर मेन प्रोविजंस लिखे गए कि ये टैक्स कब और कैसे लगेगा, और कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर रेट्स ऑफ ड्यूटी बताई गई कि किस किस आइटम पे आपको कितने रेट से ड्यूटी चार्ज करनी है। इतनी बात क्लियर बेटा एकदम? आगे की बात सुनिएगा। कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा, यानी रेट वगैरह कितने रेट से आपको ड्यूटी लगानी है, टैक्सेस लगाने हैं, ये आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें एकेडमिकली जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कस्टम्स एक्ट 1962। अब ध्यान रखिएगा, आज से कभी भी आप कोई भी टैक्सेशन लॉ पढ़े तो उसमें सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ना जरूरी होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सेक्शन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, वो सेक्शन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड, जिनके पूरे होने पे, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ विच, जिनके पूरे होने पे टैक्स या ड्यूटी चार्ज होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है बेटा? वो सेक्शन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ विच, जिन कंडीशंस के पूरे होने पे टैक्स या ड्यूटी चार्ज होती है, उसे हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। अब कस्टम्स एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12, जो हमें कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के तरीके बताता है, हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि कस्टम ड्यूटी कब कब लगेगी, कैसे कैसे लगेगी। ठीक है बेटा, तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम एक्सपोर्टेशन की बात देखते हैं। इंडिया में एक एक्सपोर्टर है जो गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो गुड्स को इंडिया से बाहर बेचना चाहता है। मान लीजिए एक कंपनी है वीडियोकॉन लिमिटेड, और ये टेलीविजन के सेट्स दुनिया भर में बना के बेचना चाहती है। तो बताइए, एक्सपोर्टेशन से हमारी इकोनॉमी को फायदा या नुकसान? सोच के बताइएगा। हम इंडिया से बाहर गुड्स बेचने जा रहे हैं तो उस एक्सपोर्टेशन से हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान? ओवर द पीरियड गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि सर एक्सपोर्टेशन से हमें मेनली फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है? अगर हम ग्लोबल मार्केट में सामान बेच के आए, अच्छी क्वालिटी हमने कम दाम पे बेची, तो अल्टीमेटली हमारी ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी तो हमें उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, नई नई फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी मेक इन इंडिया के तहत, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों को कमाई का जरिए बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स कहता है कि इट इज एन एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड ड्यूरिंग एन ईयर। लेकिन अगर आम भाषा में कहूं मैं तो इसका मतलब है कमाई के जरिए, कमाई के जरिए, चाहे गुड्स बेचकर या सर्विसेज देके कितने लोग नौकरी पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत कमा पा रहे हैं, इसको हम जीडीपी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमारी ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ी तो हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, कमाई के जरिए बढ़ जाएंगे। और कमाई के जरिए बढ़ेंगे बिकॉज इंडिया में कैश इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। भाई साहब, जब हम सामान बाहर बेच के आएंगे तो फॉरेन करेंसी में पैसे कमा कमा के लाएंगे, और जितना ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में वो पे कर पाएंगे। तो सरकार ने कहा कि एक्सपोर्टेशन से हमें मेनली फायदा ही फायदा होता है, देयरफॉर अब से हम एक्सपोर्टेशन के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। दिमाग में बैठाइएगा बात। वैसे तो आइटम नंबर 83 कह रहा है पार्लियामेंट को कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सपोर्टेशन से तो हमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसीज इंडिया में कमा के ला सकते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्टेशन पे उन्होंने टैक्स लगाना बंद कर दिया। सो दैट जब कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी तो प्राइस और कम हो जाएगा और गुड्स को एक्सपोर्ट करते वक्त ग्लोबल मार्केट में उन गुड्स का प्राइस जितना कम होगा उतनी ज्यादा ही उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग जीडीपी एंड हायर कैश इनफ्लोज इन इंडिया। तो प्राइमरीली आज से हम ध्यान रखेंगे पूरे कस्टम्स के अंदर कि एक्सपोर्टेशन पे 99% केसेस में हम कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करते, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड हमने देखा कि सर कई बार एक्सपोर्टेशन से हमें नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है एक बार समझते हैं। पिछले कई सालों से इंडिया पेट्रोल और डीजल बाहर से खरीदती थी, अभी भी खरीदती है, ईरान इराक से इंपोर्ट होता है। और जब सामान इंपोर्ट होता है तो बताइए हमें उससे फायदा होता होगा या नुकसान? ऑब्वियस सी बात है कुछ हद तक हमें नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर चला जाता है, कैश आउटफ्लोज बढ़ जाते हैं। अब मानिएगा कि लेट्स से इंडियन मैन्युफैक्चरर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ने रिसर्च करके इंडिया में पेट्रोल ढूंढ लिया। लेट्स से ये 1000 मेट्रिक टन पेट्रोल डेली निकाल रहे हैं इंडिया में, और हमें बाहर से 20000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करना पड़ता है। अब रिलायंस ने क्या किया, जो पेट्रोल इंडिया में ढूंढा था, निकाला था, उस पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा रिलायंस को कि सर प्लीज आप अपना पेट्रोल बाहर एक्सपोर्ट मत कीजिए। रिलायंस ने कहा क्यों? तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए हमें रिक्वायरमेंट होती है 20000 मेट्रिक टन पेट्रोल की, आप 1000 मेट्रिक टन डिलीवर कर रहे हो इंडिया में, तो अब हमें बाहर से खाली 19000 मेट्रिक टन ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे कैश आउटफ्लोज कुछ हद तक कम हो जाएंगे अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में ही बेचो। तो रिलायंस जो एक कमर्शियल प्रॉफिटेबल कंपनी है वो गवर्नमेंट को कहती है कि सर मैंने कोई एनजीओ नहीं खोला है, मुझे इंडियन इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया में ये पेट्रोल मैक्सिमम 50 रुपए में मेरा बिकता है, जबकि मैं ग्लोबल मार्केट में अगर बेचना चाहूँ तो यही पेट्रोल मेरा 70 रुपए पे बिक सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में लेट्स से 70 रुपए का प्राइस है। लेट्स से ये एग्जाम्पल है। अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है रिलायंस को प्लीज सर मत बेचिए बाहर, तो रिलायंस कहता है मुझे लेना देना नहीं, सॉरी मैं तो प्रॉफिट कमाने बैठा हूँ, मैं 20 रुपए पर लीटर क्यों कमाऊं। गवर्नमेंट कहती है प्लीज, रिलायंस कहता है नो, गवर्नमेंट कहती है प्लीज, रिलायंस कहता है नो, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है जाओ जाओ तेल बेचो। आप पेट्रोल बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो अब से पेट्रोल के एक्सपोर्टेशन पे हम कस्टम ड्यूटी चार्ज कर लेंगे, लेट्स से एट द रेट 150%। एग्जाम्पल है ये सिर्फ समझाने के लिए। वो कहता है आपको पेट्रोल बाहर एक्सपोर्ट करना है, आप कीजिए, हम यहाँ पे 150% के रेट से आप पे ड्यूटी चार्ज करेंगे, यानी आप 70 रुपए पे पेट्रोल बेच रहे हो तो 70 रुपए पे 150%, दैट गोज टू 105 रुपए का टैक्स आपको पहले पोर्ट पर हमें देना पड़ेगा। 105 रुपए हमें दीजिएगा, फिर जाके ग्लोबल मार्केट में इसको बेचिएगा। तो बताइए अब इस पेट्रोल पे टैक्स लगते ही 105 रुपए रिलायंस की जेब से जाते ही पेट्रोल का मार्केट प्राइस कितना हो गया? 175 रुपए। अब सोच के बताइएगा वो मार्केट जहाँ पे 70 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था, क्या कोई रिलायंस का पेट्रोल 175 में खरीदेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर इसमें कोई सोने जवाहरात थोड़ी ना लगे, वैसे ही पेट्रोल है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो सर ऑटोमेटिकली हुआ क्या, प्राइस बढ़ते ही डिमांड खत्म हो गई, और डिमांड खत्म हो गई तो लौट के बुद्धू घर को आए। अब रिलायंस इस पेट्रोल को ड्यूटी लगने के बाद बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, रेदर इंडियन मार्केट में ही बेचना शुरू कर देगा। तो सरकार ने कहा कि वैसे तो हम एक्सपोर्टेशन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन वो गुड्स जिनकी इंडिया में स्केयरसिटी है, स्केयरसिटी का मतलब कमी है, जिनकी इंडिया में ही कमी है, इंडिया के ही लोगों को उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, ऐसे गुड्स को हम इंडिया से बाहर जाने देने नहीं चाहेंगे, और ऐसे गुड्स को हम चाहेंगे इंडिया में ही सर्कुलेट हो, बाहर एक्सपोर्ट ना हो। लेकिन फ्री ट्रेडिंग है, हम किसी को, हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, वहां पे राइट टू ट्रेड भी था, आप किसी को ट्रेडिंग से नहीं रोक सकते। तो उस ट्रेडिंग को कम करने के लिए सरकार ने, WTO ने हमें पावर दे दी कि आप कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते हो। यानी मैं ये बात कह सकती हूँ कि चार्जिंग सेक्शन 12 ने कहा कि आप कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बट एक्सपोर्ट पे उन्होंने कहा जनरली नो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे हम जनरली ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बट इस बात की एक एक्सेप्शन उन्होंने बना दी, और एक्सेप्शन के अंदर उन्होंने कहा कि वो गुड्स जिनकी इंडिया में स्केयरसिटी है, वो गुड्स जिनकी इंडिया में कमी है, जिन गुड्स को हम इंडिया से बाहर जाने देना नहीं चाहते, उन पे हम कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर? तो उन्होंने कहा हम एक्सपोर्टेशन पे, कुछ ही एक्सपोर्टेशन पे सिर्फ ये कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, और वो कुछ एक्सपोर्टेशन कौन से होंगे, जिनकी इंडिया में स्केयरसिटी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसी बात को हम रिवर्स समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस बार बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। लेट्स से बाहर से कंपनी है, सोनी कंपनी, जो टीवी को एक्सपोर्ट कर रही है, लेट्स से यूएस से आ रही है, सोनी का टीवी एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को, यानी इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है ये टीवी, 10,000 रुपए में, लेट्स से एक छोटा सा टीवी है। और इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर है वीडियोकॉन लिमिटेड, ये भी कुछ इसी तरह का टेलीविजन सेट 10,000 रुपए में बेच रहा है। अब मान लीजिए आप है इंडियन बायर, तो एज एन इंडियन बायर आप कौन सा टेलीविजन खरीदना चाहेंगे? सोनी का टीवी जो 10,000 का है, या इंडियन वीडियोकॉन टीवी जो 10,000 का ही है? सोच के देखिएगा, अपने ऊपर लेके देखिएगा। तो एज एन इंडियन बायर आप क्या कहेंगे? सर इंडियन टेक्नोलॉजी पे तो भरोसा ही नहीं है, बाहर से कोई इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है वो बेहतर होगी, हम ये मान लेते हैं अपने माइंड के अंदर, और पैसे दोनों में बराबर खर्च करने हैं, तो मैक्सिमम बायर इंपोर्टेड टीवी की तरफ आकर्षित होंगे, वो सोनी टीवी को ही खरीदेंगे, वीडियोकॉन को नहीं खरीदेंगे। और वीडियोकॉन को ना खरीदने की वजह से वीडियोकॉन की डिमांड गिरी, तो इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम करनी पड़ेगी, कुछ फैक्ट्रीज हटानी पड़ेंगी, कुछ एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करना पड़ेगा, नौकरी से रिमूव करना पड़ेगा ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। और रिट्रेंचमेंट हुई, नौकरी से हटाया गया, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गिर जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हुई तो ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे हमारी कमाई के जरिए कम हो गए हैं, जीडीपी गिर गया है, एज वेल एज बचा कुचा जो पैसा लोगों के पास है वो भी कैश आउटफ्लो की फॉर्म में इंडिया से बाहर जाता रहेगा, कैश आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। यानी बिल्कुल रिवर्स स्थिति हो गई, जीडीपी गिर गई और पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। देयरफॉर लॉ मेकर ने कहा कि अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको आप डोमेस्टिक कह दें या इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं। अपना जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंडिया में है हमें उसे बचाने की जरूरत है, क्योंकि वो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहा है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें बचाए रखनी है जीडीपी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब से हम मेजॉरिटी यानी हर इम्पोर्टेशन, तो जनरली ऑल इम्पोर्टेशन पे कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देंगे। अब लेट्स से यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगी मान लीजिए 100%, तो बताइए 10,000 के सोनी टीवी पे पहले 10,000 की आपको पोर्ट पर जहाँ पे टीवी उतरेगा शिप से, वहां पे उतरते ही आपको पहले 100% ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये सब इलस्ट्रेशन है, ये रेट फ्लक्चुएट करता है। मान लीजिए टीवी पे 100% का रेट है, तो आपको पहले 10,000 के टीवी पे 10,000 की ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मार्केट तक आते आते आपको ये टीवी कितने का पड़ेगा? 20,000 का। आप बताइए एज एन इंडियन बायर आप सोनी टीवी खरीदना चाहेंगे जो 20,000 का है, या इंडियन वीडियोकॉन टीवी खरीदना चाहेंगे जो 10,000 का है? सर हम इंडियन हैं, अपनी औकात नहीं रहते हैं, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम बायर्स वीडियोकॉन टीवी की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि उनको वो टीवी बिल्कुल ऑलमोस्ट आधे दाम पे पड़ेगा। हर कोई सोचेगा भाई साहब जितने में एक सोनी का टीवी आ रहा है उतने में तो 2 वीडियोकॉन के आएंगे, अपने बेडरूम में अलग लगाऊंगा, ड्राइंग रूम में अलग लगाऊंगा, कोई हाई फाई फंडा नहीं। हाँ कुछ होंगे एक्सेप्शनल केसेस जो लग्जरी की तरफ भागते होंगे, ब्रांड की तरफ भागते होंगे, वो भले ही खरीदे, लेकिन बहुत हद तक टैक्स लगा के हम वीडियोकॉन टीवी की डिमांड बढ़ा लेंगे। डिमांड बढ़ी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो जीडीपी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जीडीपी इंक्रीज होगी। और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ जो हमारा आउटफ्लो इंडिया से बाहर जा रहा था उसको हम कुछ हद तक घटा पाएंगे। तो लॉ मेकर ने कहा आज से ऑन ऑल इम्पोर्टेशन, जब भी आप बाहर से गुड्स इंपोर्ट करके लाएं उस पे हम एक टैक्स चार्ज करेंगे ही करेंगे इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यानी उसने क्या कहा? Custom duty shall be chargeable on all importation to protect Indian domestic industry. इंडिया में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको बचाए रखने के लिए हम हमेशा 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 सारे इम्पोर्टेशन पे कस्टम ड्यूटी चार्ज कर दें। ठीक है, ये बात कहता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और इस बात को कंक्लूड करता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जो बड़ा ही थ्योरेटिकल सेक्शन है। वो कहता है कि सर कस्टम ड्यूटी सब पे लगेगी, यानी कस्टम ड्यूटी सीडी ऑन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो उस पे भी कस्टम ड्यूटी है, और यही सामान अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंपोर्ट करेगा तो उस पर भी ये कस्टम ड्यूटी एज इट इज चार्ज कर दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कस्टम ड्यूटी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लगेगी, सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लगेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से कोई छूट नहीं आएगी, चाहे सामान गवर्नमेंट सेक्टर इंपोर्ट करे चाहे सामान प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करे, दोनों पे ही कस्टम ड्यूटी सिमिलर मैनर में लगेगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर पे कुछ केसेस पे ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। कौन कौन से केसेस में? जहां पे सरकार गुड्स को इंपोर्ट कर रही है आर्मी, नेवी या डिफेंस के लिए, सरकार बाहर से हथियार इंपोर्ट कर रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स मंगवा रही है, खाने पीने का सामान मंगवा रही है, दवाइयां कैप्सूल्स इंपोर्ट कर रही है आर्मी, नेवी, डिफेंस के लिए, तो लॉ मेकर ने कहा इन पे कोई टैक्स नहीं लगाना क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है। रेदर मैं कहूं ये डिफेंस की एक्टिविटी है, अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को बचाए रखने की एक्टिविटी है, देयरफॉर इन पे ऐसा कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो फटाफट इंट्रोडक्शन में जहां आपका कस्टम शुरू हुआ है उसके लेफ्ट पेज पे ये समरी बनाइएगा और प्लीज लिखने से बिल्कुल भी कोई कंजूसी मत कीजिएगा, बिकॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि कोई भी चीज सुन के समझ के अगर आप एक बार लिख लेते हो तो वो बात लाइफ लॉन्ग आप कभी भी नहीं भूलते, वो चीज आपको 20 टाइम्स फास्टर याद हो जाती है। तो अभी पिछले आधे पौने घंटे में हमने जितना भी पढ़ा है उसका फटाफट से यहाँ तक का क्विकली रिकैप बनाइएगा, फिर इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। लिखिएगा बेटा, फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड मार्जिन, ब्लैंक पेज पे ये समरी बनाइए। ठीक है बेटा। तो हमने देखा सबसे पहले कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, लेकिन इसके लिए लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन से ली। कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री आइटम नंबर था 83, वहां से पार्लियामेंट को पावर मिली लॉ बनाने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और वो जो पावर मिली उसके बेसिस पे पार्लियामेंट ने दो लॉ बनाए, कस्टम्स एक्ट 1962 जिसमें मेन प्रोविजंस गिवन थे, एंड कस्टम टैरिफ एक्ट सीटीए 1975 जिसमें रेट्स ऑफ ड्यूटी थे। रेट्स को हम बाद में देखेंगे, जिनको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी होगा। मेन हमें अपना एकेडमिकली पढ़ना है कस्टम्स एक्ट जिसमें मेन प्रोविजंस गिवन थे। सबसे पहले हमने टैक्स था, टैक्स लॉ था, तो हमने चार्जिंग सेक्शन उठाया। चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, जिनके पूरे होने पे टैक्स या ड्यूटी लगती है। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन नंबर 12, उसके दो पार्ट थे, सेक्शन 12(1) एंड सेक्शन 12(2). 12(1) हमें कहता था कि हम सारे इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगाएंगे और कुछ एक्सपोर्ट पे लगा देंगे जिनकी इंडिया में स्केयरसिटी है, जिनको हम इंडिया से बाहर जाने देना नहीं चाहते, ऑल्दो उनके अलावा बाकी सबको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेंगे सो दैट हम कैश इनफ्लोज कमा के ला सके। देयरफॉर रिमेनिंग एक्सपोर्टेशन पे हम कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। और सेक्शन 12(2) कहता था कि गवर्नमेंट सेक्टर पे भी कस्टम ड्यूटी बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे लगती है, एक्सेप्ट आर्मी नेवी डिफेंस, बिकॉज वहां पे कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ इंडियन नेशनल सिक्योरिटीज का पर्पस है, देयरफॉर वहां पे हम कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ यही 2-3 एजेंसीज हैं, इनके अलावा बाकी सब पे ये कस्टम ड्यूटी लगेगी। फर्दर उसने आगे कहा कि सर इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उस पे ड्यूटी तो हम तब लगाएंगे जब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का हमें मीनिंग क्लियर है। ठीक है, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो उस पे हम कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकते। यानी एक बेसिक फंडा समझिएगा, ये है हमारी इंडिया। अब इंडिया में सामान गुजरात से पानी के रास्ते कोचीन ले जाया जा रहा है, तो क्या इनको हम इंपोर्टेड गुड्स कह सकेंगे? लॉ मेकर कहता है नहीं। इंपोर्टेड तब होता है जब गुड्स इंडिया के बाहर से आए हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन क्या कह रही है, याद रखिएगा। हर एक्ट के सेक्शन 1 में टाइटल होता है, हेडिंग होती है एक्ट की, और सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है। इस एक्ट के भी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 23 में इंपोर्टेशन की डेफिनेशन दी गई है, और वो कहता है इंपोर्टेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स इन इंडिया, सामान लेके आना, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से सामान इंडिया तक लेके आने को हम इंपोर्टेशन कहते हैं। और सेक्शन 2 का सब सेक्शन 18 है जो एक्सपोर्टेशन का मीनिंग बताता है। वो कहता है टेकिंग आउट गुड्स, इंडिया से बाहर लेके जाना, फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। बार बार दोनों डेफिनेशन में उन्होंने आउटसाइड वर्ड यूज किया, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, बाहर से गुड्स का इंडिया में आना और इंडिया से बाहर जाना रिस्पेक्टिवली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे, अब सर उन्होंने इतनी बात तो कह दी कि बाहर से इंडिया में गुड्स आना इंपोर्ट है और इंडिया से बाहर गुड्स जाना एक्सपोर्ट है, बट ये अंदर बाहर हम कैसे समझे, हम किसको इन इंडिया कहें और किसको आउटसाइड इंडिया कहें? इसके लिए हमें पहले इंडियन बाउंड्री पता होना जरूरी है। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 27 ने कस्टम्स के लिए इंडिया को डिफाइन किया। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 27 के अंदर इंडिया का मीनिंग एक्सप्लेन किया गया, जिसके बेसिस पर हम तय करेंगे कि सामान इंडिया के बाहर से आ रहा है या इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा जो भी इंडिया का लैंड है पूरा का पूरा, वो तो इंडिया है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। साथ साथ इंडिया के आसपास का जो पानी है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जो वाटर लेवल पे डिस्टेंस को मेजर करता है। यानी जैसे लैंड पे किलोमीटर से डिस्टेंस मेजर होता है, लैंड पे किलोमीटर से डिस्टेंस मेजर होता है, ऐसे ही पानी पे वाटर लेवल पे नॉटिकल माइल से डिस्टेंस मेजर होता है। वेयर 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.853 किलोमीटर्स। 0.853 वेव्स को कवर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा 12 नॉटिकल माइल तक के पानी को भी हम इंडियन बाउंड्री मानेंगे और इसको नाम दिया जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इसको हम क्या नाम देंगे? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। शॉर्ट में हम इसे TWI भी बुलाएंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि लैंड से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स, यानी 12 के आगे 188 नॉटिकल माइल की बात कर रहे हैं, उसको हम नाम देंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, EEZ बोलेंगे। इसको भी हम अपनी बाउंड्री का हिस्सा मानेंगे, लेकिन इसको बाउंड्री का हिस्सा माना जाएगा सिर्फ और सिर्फ दो कामों के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल रिक्स और मिनरल्स, समुद्र से तेल या मिनरल वगैरह निकालने के प्रोसेस के लिए, या उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम कोई इंसिडेंटल सप्लाई कर रहे हैं। इंसिडेंटल सप्लाई का मतलब क्या है? EEZ में हमें समुद्र की सतह से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसके लिए मैंने यहाँ से मशीन भेजी, तो वो मशीन भेजना इंसिडेंटल सप्लाई हो गया, उसको भी हम यहाँ के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। यानी ये हमारी बाउंड्री, ये हमारी बाउंड्री। अब अगर मुंबई पोर्ट से मैं मशीन भेज रही हूँ EEZ में मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो इंडियन बाउंड्री का ही हिस्सा है, उसको हम एक्सपोर्टेशन नहीं मानेंगे, ना इम्पोर्टेशन कंसिडर करेंगे, उस पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर हम USA से मशीन EEZ में लेके आ रहे हैं ऑयल्स एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सर EEZ हमारी बाउंड्री का हिस्सा है और US हमारी बाउंड्री का हिस्सा नहीं है, तो उसको इम्पोर्टेशन मान लिया जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी शैल बी चार्जेबल, ठीक है। साथ साथ वो कहता है इस टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे की जो जमीन है, सी बेड, सिर्फ और सिर्फ किसके नीचे का? टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे की जो जमीन है वो भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा होगी और उसे हम नाम देंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और टेरिटोरियल वाटर्स और लैंड के ऊपर का जो आसमान होगा वो भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा माना जाएगा। यानी हमारी बाउंड्री में क्या चार चीजें आ जाएंगी? सबसे पहला लैंडमार्क, जमीन, दूसरा टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, तीसरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सी बेड बिलो टेरिटोरियल वाटर्स, खाली टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे की बात कर रहे हैं, तीसरा स्पेस अबव टेरिटोरियल वाटर्स एंड लैंड, एंड चौथा EEZ। EEZ के सी बेड जो है उसके नीचे की समुद्री सतह हमारी बाउंड्री में नहीं है और इसके ऊपर का आसमान, स्पेस, हमारी बाउंड्री में नहीं आएगा। और EEZ को भी हम अपनी बाउंड्री का हिस्सा मानेंगे खाली दो कामों के लिए, ऑयल रिक्स मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए या उस प्रोसेसिंग के लिए हमें फर्दर कुछ सप्लाई करना है। EEZ के बाहर की जो पानी है उसको हम नाम देंगे हाई सी और वो हमारी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, यानी वो हिस्सा आउटसाइड इंडिया होगा और इसके अंदर का हिस्सा इनसाइड इंडिया माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी। आप जब गुड्स इसके अंदर लेके आओगे तो इम्पोर्टेशन माना जाएगा और जब जब गुड्स यहाँ से आप बाहर लेके जाओगे उसको हम एक्सपोर्टेशन मान लेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट जो समरी बना रहे थे उस समरी के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़िएगा उसको हम आगे बात को लेंगे। और नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, ब्लैंक स्पेस पे हमने इंडियन बाउंड्री का मीनिंग लिखा हुआ है, वहां पे इंडियन बाउंड्री को कंक्लूड कीजिएगा, फॉर व्हाट ऑल पर्पस इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एज इंडियन बाउंड्री, इंडिया की कितनी रेंज तक हम इंडिया उसको कंसिडर करेंगे। ये बनाइएगा फटाफट एक बार। ठीक है बेटा, इंडियन बाउंड्री का मीनिंग एकदम क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इंडिया है तो हम इंपोर्टेशन कब माने। लॉ मेकर कहता है कि जब भी गुड्स बाहर से, यानी जो इंडिया के बाहर है उसके बाहर से इंडिया के अंदर आएंगे तब इंपोर्टेशन माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स आई, गार्डन सिल्क मिल्स एंड किरण स्पिनिंग मिल्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंपोर्टेशन का मीनिंग प्रॉपरली क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि जब भी टेरिटोरियल वाटर्स को गुड्स क्रॉस करेंगे, यानी शिप में या फ्लाइट में रखे हुए गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करेंगे, हम उस दिन मान लेंगे कि इंपोर्टेशन की शुरुआत हो गई है, इंपोर्टेशन बिगिन हो गया है। और शिप टेरिटोरियल वाटर्स में घुस के अगर टेरिटोरियल वाटर्स से होते हुए श्रीलंका चले जाएं, जो हमारी बाउंड्री का हिस्सा नहीं है, मैप में श्रीलंका भले ही पास दिखता है लेकिन वो है हमारी बाउंड्री के बाहर, तो मान लीजिए एक शिप है वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करता हुआ इंडियन वाटर्स को होता हुआ आगे श्रीलंका चला जाए, तो उसको हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं मानेंगे। यानी किरण स्पिनिंग ने कहा कि टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस होने पे खाली इंपोर्टेशन की शुरुआत होगी। सेकेंड कंडीशन होगी वो गुड्स लैंड तक भी जरूर पहुंचे, और लैंड को हमने कस्टम में नाम दिया कस्टम्स बैरियर, कस्टम्स बैरियर। तो सेकंड कंडीशन उन्होंने बोली कि वो कुछ कस्टम बैरियर तक भी पहुंचे। थर्ड उन्होंने कहा कि मान लीजिए शिप में 10 लाख यूनिट आ रहे हैं और 10 लाख में से सिर्फ 4 लाख यूनिट्स इंडिया में उतर रहे हैं, तो जितने यूनिट्स इंडिया में लैंड हो रहे हैं जिनकी अनलोडिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वो ही गुड्स इंपोर्टेड माने जाएंगे। यानी नेक्स्ट कंडीशन क्या बनी, उन गुड्स का लैंडिंग होना अनलोडिंग होना भी जरूरी है। एंड लास्टली उन्होंने कहा कि वो गुड्स इंडियन गुड्स के पार्ट बन जाने चाहिए, पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स। यानी इंडिया में जितने भी गुड्स मास के लिए पड़े हैं, आम जनता की कंजम्पशन के लिए पड़े हैं, उन गुड्स का हिस्सा बन जाने चाहिए। और वो हिस्सा तब नहीं बनेंगे जब उन गुड्स को वापस कर दिया जाए। यानी इमेजिन कीजिए कि 4 लाख यूनिट जो इंडियन पोर्ट पर उतरे थे, वो 4 लाख यूनिट में से 50,000 यूनिट वापस कर दिया गया। 4 लाख यूनिट जो इंडिया में उतरे उसमें से 50,000 यूनिट वापस कर दिए गए ड्यू टू रिजेक्शन, माल खराब था। और 1 लाख के करीब यूनिट्स जो थे वो दूसरी कंट्री को बेच दिए गए, रीसेल कर दिए गए। तो लॉ मेकर ने कहा जो कुछ रिजेक्ट होके वापस चले गए या रीसेल की वजह से बाहर चले गए, यानी वो गुड्स जो पहले कभी इंपोर्ट हुए थे और अब उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया गया, ऐसे गुड्स को हम नाम देंगे री एक्सपोर्टेशन। और री एक्सपोर्टेड गुड्स कभी भी इंपोर्टेड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स अब पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स नहीं रहे। यानी क्योंकि वो गुड्स बाहर चले गए हैं तो इंडियन गुड्स में जो मास के लिए पड़े थे उसका हिस्सा नहीं रहे, देयरफॉर उनपे कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन अगर टैक्सेबल इवेंट के दौरान, अनलोडिंग के दौरान, लैंडिंग के दौरान आपने उनपे कस्टम ड्यूटी पे कर दी थी, तो री एक्सपोर्टेशन के दौरान हमसे आप उस कस्टम ड्यूटी का रिफंड ले लीजिएगा। और उस रिफंड को हमने नाम दिया ड्यूटी ड्रॉबैक। हमने उसे क्या नाम दिया? ड्यूटी ड्रॉबैक। तो लॉ मेकर ने कहा कि भाई साहब अब इंपोर्टेशन की 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करें। दूसरी कंडीशन, गुड्स लैंड क्रॉस करें यानी कस्टम बैरियर क्रॉस करें। तीसरी कंडीशन, वो गुड्स अनलोड होने चाहिए, लैंड पे उतरने चाहिए। और चौथी कंडीशन, वो गुड्स पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स बन जाने चाहिए। अब जब ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम उसको इंपोर्टेड गुड्स मानेंगे एंड तब जाके उनपे कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। यानी किरण स्पिनिंग और गार्डन सिल्क मिल्स को अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारी कंक्लूजन निकल के आती है 4 कंडीशंस की। पहली कंडीशन, क्रॉसिंग ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन, क्रॉसिंग ऑफ कस्टम बैरियर। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अनलोडिंग, सामान का इंडियन पोर्ट पर उतरना। एंड चौथी कंडीशन, गुड्स बिकमिंग पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स। वो गुड्स इंडियन गुड्स के हिस्से बन जाने चाहिए। जब तक ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं मानेंगे। क्लियर है बेटा? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ने इंपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग दिया, ब्रिंगिंग गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। लेकिन इस बात को एलैबोरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ किरण स्पिनिंग एंड गार्डन सिल्क मिल्स। और उन्होंने कहा इंपोर्टेशन तब तक नहीं होगी जब तक ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, यानी क्रॉसिंग ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, क्रॉसिंग ऑफ कस्टम बैरियर, अनलोडिंग एंड पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, ये तो इंपोर्टेशन की कंडीशन थी। अगर इसी सिचुएशन को मैं रिवर्स करना चाहूं तो मेरी हेल्प करवाइएगा, एक्सपोर्टेशन कब होगा बताइए। हम कब मानेंगे कि गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो गए हैं। वैसे तो एक्सपोर्टेशन पे ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में जहां पे लगती है एटलीस्ट हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि वहां पे ड्यूटी किस वक्त लगेगी, कब लगेगी। क्या हम इंपोर्टेशन का रिवर्स केस एक्सपोर्टेशन में कंसिडर कर लें? एक्सपोर्टेशन की शुरुआत कब होगी बताइए। लॉ मेकर कहता है जब गुड्स को हम शिप के अंदर लोड करेंगे, यानी पहली कंडीशन क्या हो गई, लोडिंग ऑफ गुड्स इन दी वेसल। सेकेंड कंडीशन, जब वो गुड्स कस्टम बैरियर को छोड़ेंगे तो इंपोर्टेशन आगे बढ़ेगा और एक्सपोर्टेशन आगे बढ़ेगा। और एक्सपोर्टेशन कंप्लीट कब होगा, जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे। एक बार फिर से समझिएगा, एक्सपोर्टेशन की शुरुआत कब होगी, जब गुड्स को शिप के अंदर लोड किया जाएगा। लोडिंग के बाद एक्सपोर्टेशन आगे कब बढ़ेगा, जब गुड्स को कस्टम बैरियर गुड्स क्रॉस करेंगे। एंड थर्डली, एक्सपोर्टेशन कंप्लीट कब होगा, जब वो गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करके इंडिया से बाहर चले जाएंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड की इन द केस ऑफ सन एक्सपोर्ट्स एंड राजेंद्र ड्राइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। इसमें उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टेशन बिगिन होगा ऑन लोडिंग ऑफ गुड्स इन वेसल और एयरक्राफ्ट। जिस दिन आप सामान को शिप में या फ्लाइट में चढ़ाएंगे उस दिन एक्सपोर्टेशन बिगिन होगा। आगे, वो गुड्स क्रॉस करने चाहिए कस्टम बैरियर, वो गुड्स इंडियन लैंड को क्रॉस करके बाहर जाने चाहिए। एंड एक्सपोर्टेशन कंप्लीट कब होगा, जब वो गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके चले जाएंगे। क्रॉसिंग ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टेशन गेट्स कंप्लीटेड। यानी ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम एक्सपोर्टेशन कंप्लीट मानेंगे। बिल्कुल लॉजिकल सी बात थी, लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया अंडर दीज टू जजमेंट्स, सन एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड राजेंद्र डाइंग मिल्स। ठीक है बेटा, तो पुराने टाइम पे कुछ केस स्टडीज आई थी एग्जाम में, जिनकी सहायता से हमें बताना था कि एक्सपोर्टेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। इमेजिन कीजिए, पेट्रोल के बाहर जाने पे कस्टम ड्यूटी लगती थी और पेट्रोल इंडियन लैंड को छोड़ के बाहर गया, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स में ही शिप का एक्सीडेंट हुआ और वो पेट्रोल सारा बह गया। तो बताइए क्या कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए या नहीं। चेक करते हैं, आंसर में हमें ये दोनों केस कोट करने हैं, सन एक्सपोर्ट्स एंड राजेंद्र डाइंग मिल्स। और इन केसेस के अकॉर्डिंगली इस पेट्रोल ने लोडिंग भी हुई, लैंड भी छोड़ा, लेकिन लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, देयरफॉर हम मानेंगे एक्सपोर्टेशन पूरा नहीं हुआ। एक्सपोर्टेशन नहीं हुआ तो इस पे ड्यूटी नहीं लगनी थी, लेकिन आपने लोडिंग के टाइम पे ड्यूटी दे दी थी, तो एक्सीडेंट के बाद आप उस ड्यूटी का रिफंड ले सकते हैं और उस रिफंड को कस्टम में हम नाम देते हैं ड्यूटी ड्रॉ बैक। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सिमिलरली रिवर्स केस कर ले, बाहर से एक शिप आया, टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस किया, लेकिन लैंड तक अभी नहीं पहुंचा था, टेरिटोरियल वाटर्स में एक्सीडेंट हो गया, वो संक कर गया। तो बताइए क्या उस पे इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगेन इस सिचुएशन में हम ये दो केसेस कोट करेंगे, गार्डन सिल्क मिल्स एंड किरण स्पिनिंग मिल्स। और इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि उन गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर्स तो क्रॉस किए, लेकिन कस्टम बैरियर तक नहीं पहुंच पाया, यानी सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई नहीं की। और क्योंकि कस्टम बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो गुड्स इंपोर्टेड नहीं माने जाएंगे, और इंपोर्टेशन नहीं है तो कस्टम ड्यूटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटा, सो ये बेसिक डिफरेंस है इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन का। एक बार यहाँ तक की बात को कंक्लूड करते हैं एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। हमने देखा कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, इसको लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में आइटम नंबर 83 के अंदर दी गई है। वहां पे पार्लियामेंट को पावर दी थी कि आप लॉ बना सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। उस पावर के बेस पे पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए, कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम एक्ट के अंदर उन्होंने मेन प्रोविजन रखे, कस्टम टैरिफ एक्ट सीटीए के अंदर उन्होंने रेट्स दे दिए। ये रेट्स एग्जाम में दिए जाते हैं, इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कस्टम एक्ट के मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन में सबसे पहला सेक्शन हमने शुरू किया सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई जिनके पूरे होने पे टैक्स या ड्यूटी लगती है। चार्जिंग सेक्शन के 12(2) ने कहा कि जैसे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे कस्टम ड्यूटी लगती है, सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लगेगी, एक्सेप्ट आर्मी, नेवी एंड डिफेंस। एंड सेक्शन 12(1) कहता है कि ड्यूटी हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगाएंगे। However, एक्सपोर्ट पे जनरली ये ड्यूटी नहीं लगेगी, so as to encourage more exportation at lower price from India. However, उसकी एक एक्सेप्शनल केस हो गया जहाँ पे गुड्स इंडिया में स्केर्सिटी में है, जिनकी कमी है, जिनको हम बाहर जाने देना नहीं चाहते, उनको रोकने के लिए हम उनपे कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देते हैं। Whereas इम्पोर्टेशन से हमेशा हमारी इकोनॉमी को खतरा होता है, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का काम कम होता है और कैश आउटफ्लो इंडिया से बाहर जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम इम्पोर्टेशन पे हमेशा कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। अब सारे ऑल इम्पोर्ट और फ्यू एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी, उसके लिए हमें पहले ये चेक करना है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कब होगा। इम्पोर्ट का मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में कहा बाहर से गुड्स का इंडिया में आना, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 ने एक्सपोर्ट का मीनिंग दिया इंडिया से गुड्स का बाहर जाना। लेकिन बाहर से आना और बाहर जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया इंडिया की डेफिनेशन से, इंडिया की बाउंड्री को पहले डिफाइन किया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 27, और उसमें उन्होंने कहा इंडिया का मतलब है इंडियन मास लैंड, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक का, लेकिन वो सिर्फ ऑयल रिग्स और उससे रिलेटेड प्रोसेस के लिए है। टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे का जमीन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इनके ऊपर का आसमान। तो ये बाउंड्री हमारी बनी, इससे बाहर की बाउंड्री इंडिया से बाहर हो गई और इसके अंदर इंडिया का हिस्सा माना गया। उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दी। किरण स्पिनिंग मिल्स और गार्डन सिल्क मिल्स ने कहा इम्पोर्टेशन तब होगा जब 4 कंडीशन सैटिस्फाई होंगी। जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके अंदर घुसेंगे तो इम्पोर्टेशन की शुरुआत होगी, फिर उन गुड्स का कस्टम बैरियर यानी लैंड पे भी पहुंचना जरूरी है, देन वहां पे उनका अनलोडिंग होना चाहिए, उतरने चाहिए, और अनलोडेड गुड्स इंडियन गुड्स का हिस्सा बन जाते हैं, कंज्यूमेबल हो जाते हैं। कंज्यूमेबल बोला है, कंज्यूम नहीं, यानी कंज्यूम होने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर बिके ना बिके उससे कुछ लेना देना नहीं, यानी वो इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए, इंडियन गुड्स के मास का हिस्सा बन जाने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सैटिस्फाई है तो इम्पोर्टेशन है, उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगा दीजिएगा। हाउएवर एक्सपोर्टेशन तब माना जाएगा जब गुड्स इंडिया से बाहर जाएंगे, यानी गुड्स का लोडिंग होगा वेसल या एयरक्राफ्ट में, उसके बाद उनको कस्टम बैरियर क्रॉस करना होगा एंड टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करते हुए एक्सपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस पे आप कस्टम ड्यूटी दोगे अगर बनती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कस्टम का। आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। टिल देन, thank you and God bless you all. Thank you.